मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। इस मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ जयपुर में चर्चा की। इस विषय पर केंद्र सरकार के सहयोग से निर्णय लिया जाएगा। वहीं पार्वती, काली सिंध, चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौते पर एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए। इस पर सीएम मोहन यादव बोले कि लिंक परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए वरदान होगी, इससे दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा। रविवार को श्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। ये परियोजना 6 से 7 साल में पूरी होगी। इस पर 33,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश और 37,000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान खर्च करेगी। इसमें 90% राशि केंद्र सरकार देगी। वहीं योजना के पूरे होने पर एमपी को प्रतिवर्ष 1800 MCM पानी मिलेगा। इससे 13 जिलों की 3.75 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। वहीं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 2 दशकों से लंबित पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग 3 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। इन अंचलों के धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी विकसित होंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना पड़ेगा कि ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल ये PKC लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी, इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो ज़िले हैं इसमें जो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के, उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि अभी हम केवल नर्मदा नदी पर निर्भर थे और नर्मदा की वैली से पानी ले जा कर के देना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना लंबे समय तक मेंटेन कर, खर्चे में भी ज़्यादा था और प्रैक्टिकली रूप से कई कठिनाइयाँ भी थी। और ये हमारे सूखे इलाके हैं जहाँ न केवल हमारी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना सार्थक होती है तो आगे जाकर के इसमें टूरिज्म का और अन्य अन्य प्रकार की गतिविधि भी बहुत अच्छी से होगी।